दोस्तों आज का टॉपिक है एसवी की वर्किंग कैसे होती है और इसको ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अगर आप आर ओ रिपेयरर है या डीलर है तो अपना नंबर जरूर व्हाट्सअप करें और विजिटिंग कार्ड व्हाट्सअप करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे पास स्टेट वाइज इंक्वायरी आएगी आर ओ सिस्टम की रिपेयर की या नए की तो हम आपको फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि एसवी का क्या फंक्शन होता है आरओ सिस्टम में और एसवी को रिपेयर करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए और क्या क्या इसमें मुश्किलात आती हैं। तो सबसे पहले हम एक सिंपल एसवी लेते हैं जिसको हमने खोला हुआ है। तो एक तरफ इसकी कॉइल लगी होती है और दूसरी तरफ इसका जो है एक सिलेंडर पिस्टन लगा होता है जिसे कह सकते हैं, और यहाँ से पानी इनपुट और आउटपुट जाता है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर जो है इनपुट लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ आउटपुट लिखा हुआ है, मतलब एक तरफ जो सेडिमेंट और कार्बन फिल्टर होते हैं उसकी आउटपुट इसके इनपुट के साथ अटैच की जाती है, जो इसकी आउटपुट है वो पंप के साथ आरओ पंप के साथ अटैच की जाती है। ठीक है, हमने तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक कंट्रोल पार्ट, नंबर दो ट्रांसमिटिंग पार्ट जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है और इसको पिस्टन सिलेंडर पिस्टन भी कहते हैं, और तीसरा हमारा जहाँ से पानी एक तरफ से आता है एसवी और दूसरी तरफ से जाता है। ये आप एक छोटा सा होलक जो इसमें देख रहे हैं यही पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है। एक तरफ से पानी आता है, ये हमारा इनपुट है, और यहाँ से पानी निकलकर यहाँ से होकर आउटपुट पे जाता है। जब हमारा एसवी ऑफ होता है तो यहाँ जो ये होल है इसको कवर अप कर देता है, बंद कर देता है, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। ये इस तरह से काम करता है। इसके ऊपर जो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है ये इसके अंदर ऐसे, और इसको हम जो है नट के साथ टाइट कर देते हैं। तो जैसे ही सिग्नल इसको मिलता है, मतलब यहाँ से सप्लाई मिलती है 24 वोल्ट, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है और ऊपर उठ जाता है और हमारे पानी का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही हमारा वाटर फिल्टर का टैंक भर जाता है तो यहाँ से सिग्नल ब्रेक हो जाता है, जो बिजली की सप्लाई है 24 वोल्ट वो बंद हो जाती है और ये डी मैग्नेटाइज हो जाती है कॉइल जो इसके अंदर लगी हुई है, और एसवी हमारा क्लोज हो जाता है और पानी की सप्लाई बंद हो जाती है। तो दोस्तों ज़्यादातर दिक्कत कहाँ आती है, कई बार फ्लो कम और ज़्यादा हो जाता है जब हम इसको बंद कर देते हैं। जब पानी का टैंक पूरा भर जाता है तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी बाहर निकलता रहता है, तो उसकी वजह होती है यहाँ डस्ट। ये जो होल है इसके ऊपर जो हमारा ये अरेंजमेंट पिस्टन स्प्रिंग अरेंजमेंट होता है पूरी तरह बैठता नहीं है, क्योंकि यहाँ डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो दोस्तों इसको रेगुलरली साल में एक बार कम से कम साफ़ कर देना चाहिए ताकि इसमें जो प्रॉपर सीटिंग बन जाए इसकी, और इसको अच्छी तरह से नट को टाइट कर देना चाहिए। और सेकंड होता है कि जब इसका मैग्नेटाइज जो है गीला हो जाए, बेट हो जाए, या फिर इसकी तार ब्रेक हो जाए, तो उसकी वजह से ये मैग्नेटाइज नहीं होता और ये सप्लाई या तो इसकी कंटिन्यू चलती रहती है या फिर चलती ही नहीं है। तो दोनों केसों में जो हमारा कॉइल की प्रॉब्लम हो सकती है जब इसकी तार अंदर से ब्रेक हो जाए, तो वो भी मैं आपको एक बार कॉइल निकाल कर दिखा देता हूँ। ये इसका इनर साइड है कॉइल का, जिसके अंदर ये हमारा पिस्टन सिलेंडर जो है बैठता है इस तरह से, ये बैठ गया। अब इसके ऊपर ये स्प्रिंग अरेंजमेंट इस तरह से, और इसके ऊपर हमारा ये पुराना है। ध्यान से देखेंगे तो इसकी अभी कंडीशन ठीक है, और अलग अलग एसवी के होल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, किसी का साइज थोड़ा बड़ा अंदर होता है ओरिफिस का और कुछ का इससे ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी का,
और अब इसको हम ऐसे ऊपर रख देते हैं। तो जैसे ही हम इसको सप्लाई देते हैं 24 वोल्ट, तो ये पानी के फ्लो को ओपन कर देता है, पानी इनमें से निकलना शुरू हो जाता है एसपी के। अब मैं इसका आपको डेमो देता हूँ। ये इसकी नेगेटिव वायर है और ये पॉजिटिव वायर है, जो इसको हम सप्लाई देते हैं वो पॉजिटिव वायर देते हैं। अभी इसको हमने क्लोज पोजीशन पे रखा हुआ है, मतलब ये हमारी नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है जब हमने बिजली की सप्लाई नहीं दी हुई है। अब इसको मैं डेमो कर दिखाता हूँ। ये जो इसका हिस्सा है इसको मैं साइड पे करता हूँ। एसवी की मूवमेंट कैसे होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जब हम एसवी को 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो ये हमारी एसएमपीएस है 24 वोल्ट की। तो चलिए अब हम इसको पावर ऑन करेंगे यहाँ से, और इसका रिज़ल्ट मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगा कि जैसे ही मैग्नेटाइज होता है तो क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए, और दोस्तों अब इसको मैं दोबारा ऑफ़ करूँगा तो ये जंप करेगा और बाहर गिर जाएगा, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज होता है तो इसको रोकने के लिए कुछ होता नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से ये काम करता है हमारा पिस्टन, और ऑन ऑफ करता है भी को जब भी कोई प्रॉब्लम हो। अगर बंद होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा हो तो इसको खोलकर यहाँ से सफाई कीजिए अच्छी तरह से। और जो इसका ये सीटिंग है इसको भी क्योंकि जहाँ डस्ट जमा हो जाती है पानी की वजह से, तो इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, और हमेशा इसको गीला होने से बचाएं, ऊंची जगह पर ही आरओ सिस्टम में लगाएं। और कई बार यहाँ से लीकेज भी होती है एसबी में, उसकी वजह भी यही होती कि ये जो इसका रिंग है, लाइट के पास आपको ले आकर दिखाता हूँ ये वाला, कि डस्ट यहाँ इतनी जमा हो जाती है कि यहाँ गैप बन जाता है इन दोनों के बीचकार, क्योंकि जब हम ऐसे रखते हैं तो गैप की वजह से पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीज़न है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर थोड़ी थोड़ी डस्ट जमी हुई है, तो इसको हम ये देखिएगा साफ़ करते हैं। ये देखिए, ऐसे इसको हमें साफ़ करना चाहिए साल में एक बार कम से कम। जैसे जैसे ये अब साफ़ हुआ है तो जो गैप है वो ख़त्म हो जाएगा, डस्ट ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह से इसको साइड से ब्रश के साथ जो है स्प्रिंग साफ़ कर देने चाहिए ताकि इनकी मूवमेंट स्मूथ रहे। और इसकी ये ब्लैक कलर की जो वाशल है इसको भी अच्छी तरह से साफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सुंगड़ गई, तो भी जो गैप बनेगा उसकी वजह से लीकेज हो जाएगी। ये आपको मैं निकाल कर दिखा देता हूँ। ये अब देखिए, इस पर मिट्टी थोड़ी थोड़ी जमी हुई है, तो इसको साफ़ कर देना, अच्छी तरह से वाश कर देना है। इसके जो स्प्रिंग है, ध्यान से आप देखेंगे तो इस पर मिट्टी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट पे फ़र्क पड़ता है। इसे गीली हो जाती है तो ये काम करना छोड़ देती है, शॉर्ट हो जाती है। तो इसको भी जो है कॉइल को जो है सुखा कर ड्राई कर देख सकते हैं, नहीं तो फिर हम एसवी नया लगा सकते हैं, नया एसवी लगा कर हमारा काम चल जाएगा। थैंक यू। अब इसको मैं डेमो कर दिखाता हूँ। ये जो इसका हिस्सा है इसको मैं साइड पर करता हूँ। एसवी की मूवमेंट कैसे होती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ जब हम एसवी को 24 वोल्ट सप्लाई देते हैं। तो ये हमारी एसएमपीएस है 24 वोल्ट की। तो चलिए अब हम इसको पावर ऑन करेंगे यहाँ से, और इसका रिज़ल्ट मैं बिल्कुल पास से दिखाऊंगा कि जैसे ही मैग्नेटाइज होता है तो क्या रिज़ल्ट आता है। ये देखिए, और दोस्तों अब इसको मैं दोबारा ऑफ़ करूंगा तो ये जंप करेगा और बाहर गिर जाएगा, क्योंकि ये डीमैग्नेटाइज होता है तो इसको रोकने के लिए कुछ होता नहीं। ये देखिए, तो इस तरह से ये काम करता है हमारा पिस्टन, और ऑन ऑफ करता है, फ्लो को कम ज़्यादा करता है या बंद करता है। तो एसबी को जब भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर बंद होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा हो, तो इसको खोलकर यहाँ से सफाई कीजिए अच्छी तरह से। और जो इसका ये सीटिंग है इसको भी क्योंकि जहाँ डस्ट जमा हो जाती है पानी की वजह से, तो इसको भी आप साफ़ कर सकते हैं, और हमेशा इसको गीला होने से बचाएं, ऊंची जगह पर ही आरओ सिस्टम में लगाएं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।